लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है, बाकी के 6 चरणों के लिए जमकर प्रचार हो रहा है। साल दर साल चुनाव लड़ना और लड़ाना दोनों महंगा होता जा रहा है। एक एक सीट पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और इन सब के बीच चुनावी चंदे से जुड़े इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 30 मई से पहले सभी राजनीतिक दलों को सील बंद लिफाफे में चंदे की जानकारी देने के लिए कहा है। सभी पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पूरे चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। चुनावी बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि इस व्यवस्था से चुनावी चंदे में पारदर्शिता लाने की बजाय भ्रष्टाचार को और बढ़ावा मिल रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन मिला है, उनको जिन्होंने वो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं उनका पूरा ब्यौरा एक सील लिफाफे में करके इलेक्शन कमीशन को देना है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से फिलहाल चुनावी बॉन्ड पर रोक नहीं है। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए साल 2017-18 में सबसे ज्यादा चंदा हासिल करने वाली पार्टी बीजेपी थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी को 210 करोड़ रुपए का चंदा मिला। देश की सभी राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से जो चंदा मिला उसमें से बीजेपी की हिस्सेदारी 94% थी। करीब करीब सारे बॉन्ड भाजपा को ही मिले हैं, उनको बताना है ये एक एक इलेक्टोरल बॉन्ड, ये 2000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड किन कंपनियों ने उनको दिए, और फिर ये राज खुलेगा कि इन कंपनियों को क्या क्या फायदा भाजपा सरकार से मिला। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने अजीबोगरीब तर्क देते हुए कहा कि मतदाता को ये जानने की जरूरत नहीं है कि राजनीतिक दल को चंदा कहां से मिल रहा है। आपको बता दें कि जनवरी 2018 से राजनीतिक दल को जो चंदा देने की इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को लागू करने के पीछे सरकार ने तर्क दिया था कि नई व्यवस्था से राजनीतिक दल को मिलने वाला पैसा बिल्कुल साफ होगा, सिस्टम में पारदर्शिता आएगी, चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गुप्त रखने का भी तर्क दिया गया। इस पर विपक्ष का कहना है, क्या सरकार बैंकों के जरिए ये पता नहीं लगा सकती कि किसने कितना चंदा सत्ताधारी पार्टी को दिया और कितना विपक्षी दलों को दिया। सरकार ने ये भी कहा कि बैंक चाहे तो KYC के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने वालों की पहचान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।